दोस्तों, ओप्पो ने अभी कुछ ही दिन पहले मार्केट के अंदर अपना अब तक का सबसे खास और यूनिक डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स के नाम से अनाउंस किया है। इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में और चैनल पर अपलोड कर दी है। अब वो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया था, तकरीबन वो 17 मिनट का वीडियो बन गया था और उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी इस फ़ोन के कुछ खास फीचर्स जो हैं, इसका मोटराइज मैकेनिज़म है, इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और साथ में इसकी जो फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें रह गई थी, जो मैं चीज़ें कवर नहीं कर पाया था उस वीडियो के अंदर, तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास इस मोबाइल फ़ोन का बैटरी डिपार्टमेंट होगा, इसका चार्जिंग सिस्टम होगा और मोटराइज मैकेनिज्म से जुड़ी कुछ बातें होगी और साथ ही साथ इस फ़ोन की प्राइस होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आप लोगों के साथ इसी ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FDW हियर एंड यू आर वॉचिंग MIT वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मोबाइल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर क्या कुछ था। तो इस वीडियो के अंदर इस मोबाइल फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशन, इसका डिज़ाइन, इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है, रैम वगैरह, और उसका जो नया कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर ओप्पो लेके आया है और साथ ही साथ मोटराइज मैकेनिज्म के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन, तो जो एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो है पहले मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आई बटन के अंदर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आप लोग पहले अगर वो वीडियो देख लेते हैं तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए कुछ चीज़ें उसके अंदर जो है कवर करना मुश्किल थी, तो इसलिए ये उसी वीडियो का ये एक सेकेंड पार्ट है जो कि आप लोग अब देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो के अच्छे से समझ आ सके। तो इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर बात करेंगे इस मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में, चार्जिंग सिस्टम, इस मोबाइल फोन के मोटराइज मैकेनिज्म के साथ जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में, साथ ही साथ इसकी प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3730 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि एक आम फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन की बैटरी की निस्बत थोड़ी सी बड़ी है। अब हमें जो सैमसंग के मोबाइल फोन मिलते हैं या फिर हमें कुछ और कंपनीज के मोबाइल फोन मिलते हैं तो वहां पर हमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को 3730 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब ये दूसरे मोबाइल फ़ोन की नस्बत थोड़ी बड़ी बैटरी है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप जो है प्रोवाइड कर देगी। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को एक लंबे वक्त तक बैटरी पावर जो मिलती रहेगी, जल्दी आप लोगों की बैटरी ख़त्म नहीं होगी दूसरे मोबाइल फ़ोन की नस्बत। और दूसरी बात, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी चार्जिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। अब आप लोग जानते ही हैं कि ओप्पो की जो सुपर वो फास्ट चार्जिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है। अगर आप लोग इसके बैटरी चार्जिंग सिस्टम की स्पीड को थोड़ा सा जज करना चाहते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो iPhone X है हमारा एप्पल की तरफ से जो आता है, उसकी जो चार्जिंग ब्रिक है यानी कि उसका जो चार्जर है जो कि ऑफिशियल हमें उनकी वेबसाइट के ऊपर मिलता है, वो 27 वाट का होता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर यानी कि ओप्पो के फाइंड एक्स के अंदर आप लोगों को 50 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओप्पो की ये सुपर वोक यानी कि VOOC जो चार्जिंग सिस्टम है ये कितना फास्ट है। अब ओप्पो की चार्जिंग सिस्टम के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं कि दुनिया का ये फास्टेस्ट चार्जिंग सिस्टम है यानी कि ओप्पो वन प्लस वगैरह का, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। अब इसी बैटरी चार्जिंग को लेकर, इसी बैटरी को लेकर आप लोगों को इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है तो आपको चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। आप लोगों को ओप्पो की सुपर फास्ट चार्जिंग जो है वो सिस्टम मिल जाता है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, आप लोग इसको जल्दी एक आम मोबाइल फ़ोन की तरह ही कुछ टाइम में यानी कि 1-1.5 घंटा के अंदर आप लोग इसको चार्ज कर पाएंगे। आई थिंक 1-1.5 घंटा के अंदर ये चार्ज हो जाना चाहिए, अभी तक ये मोबाइल फ़ोन हमने खुद तो टेस्ट नहीं किया। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास निकल के आती है वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कमी है जो कि पिछली वीडियो के अंदर बताना रह गई, तो वो ये था कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग जो है नहीं मिलती। अब आप लोग इस बात से तो वाकिफ हैं कि ये मोबाइल फ़ोन एक फ्लैगशिप ग्रेड का ओप्पो का स्मार्टफोन है जिसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर मिल जाता है, 8 GB की रैम मिल जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को एड्रीनो का 630 GPU मिल जाता है। तो ये किसी भी लिहाज से एक मिड रेंज मोबाइल फोन नहीं है, ओप्पो का एक फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन है जिसके अंदर ओप्पो ने एक नया डिजाइन कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर अगर ओप्पो वायरलेस चार्जिंग वाला सिस्टम डाल देता तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। फास्ट वायरलेस चार्जिंग एक साइड पर, आप लोगों को सादा वायरलेस चार्जिंग इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को खरीदना चाहते हैं जब भी ये मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आएगा, तो आप लोग इस बात को जहन में रखिए कि बाकी जो
कमियाँ हैं जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हैं, उनके साथ साथ इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मोबाइल फोन के मोटराइज मैकेनिज्म से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो सबसे पहले चीज़, जो कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो के अंदर बयान की थी कि इसके अंदर जो क्लीनिंग का मसला आ सकता है, या फिर हमें IP67/68 नहीं मिलती इसके मूवेबल मैकेनिज्म की वजह से, या फिर कुछ और जो दीगर कमियाँ स्मार्ट फोन के अंदर हैं, वो तो सारी के सारी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। लेकिन जो एक चीज़ रह गई थी वो ये है कि इस मोबाइल फोन को जब आप लोग इसका बैक कैमरा यूज़ करने के लिए इसकी कैमरा एप्लीकेशन खोलते हैं, वो जो मोटराइज मैकेनिज्म है वो तो 0.5 सेकंड के अंदर वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो कैमरा की एप्लीकेशन है वो लॉन्च होने में तकरीबन 1 से 2 सेकंड का टाइम जो है वो ले जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका वो जो मोटराइज मैकेनिज्म है बाहर आ चुका है, लेकिन वो जो कैमरा के सामने स्क्रीन है, यानी कि आप लोगों के स्मार्टफोन के सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिजल्ट आने तक, यानी कि जो कैमरा बैक कैमरा देख रहा है उसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आने तक तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड या फिर 3 सेकंड तक का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। यानी कि कैमरा के अंदर कोई बग मौजूद है, कोई गलती इसके एल्गोरिथम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी डिले होता है आप लोगों का वो जो मोटराइज मैकेनिज्म आने के बाद कैमरा एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल रिजल्ट आने में। तो ये एक बग उसके अंदर मौजूद है। आई होप के ओप्पो जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसको ठीक कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये जो एक गलती है एल्गोरिथम के अंदर, जो डिले हो रहा है कैमरा का मैकेनिज्म बाहर आने के बावजूद आपको एप्लीकेशन के अंदर रिजल्ट काफ़ी देर से देखने को मिलता है, तो ये उसके अंदर एक चीज़ मौजूद है। अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को इस बात को जहन में रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट जिन मेरे पास निकल के आ रही है वो इस फोन के मोटराइज मैकेनिज्म से जुड़ी 1-2 बातें हैं। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि इस मोबाइल फोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो पॉपअप होकर बाहर आता है, उसके अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कैमरा की एप्लीकेशन ओपन की हुई, आप लोगों का वो जो मूवेबल मैकेनिज्म है मोबाइल फोन की बॉडी से बाहर है, लेकिन अगर आप लोग उसको हाथ के साथ पुश करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को दबाने के बगैर, उसको एक्सटर्नल फोर के साथ वापस मोबाइल फोन की बॉडी के अंदर जो है वापस कर देते हैं, तो आप लोगों को कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा हुआ हो कि आप लोगों का कैमरा जो है रीएक्टिव करने की वो जो इजाज़त है वो मांग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैमरा को दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा। उसी नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को एक कैंसिल का बटन आई थिंक और साथ में एक्टिव का बटन मिल जाता है। अगर आप लोग उस एक्टिव के बटन को दोबारा प्रेस कर दें तो वो जो एप्लीकेशन है वो खुली की खुली रहेगी कैमरा वाली, और जो पॉपअप मेन्यू है वो जो ऊपर वाला पूरा मोटराइज मैकेनिज्म दोबारा से बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग उसको धक्का लगाकर वापस मोबाइल फोन की बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी, बल्कि ओप्पो ने इस मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग ऐसी की है कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ही, कि किसी चीज़ ने, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने पूरा का पूरा मोटराइज मैकेनिज्म जो है वापस मोबाइल फोन की बॉडी के अंदर जो है डाल दिया। लिहाजा आप लोग अगर इस कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं तो एक्टिव के बटन पर क्लिक कीजिए, आपका जो पॉपअप वो पूरा का पूरा मोबाइल फोन का मोटर्स मैकेनिज्म बाहर आ जाएगा, फिर आप लोग इसको तस्वीर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ के कैमरा जब बंद होगा उसके ऊपर अगर कोई बंदा इसको दबा कर रखता है और उसके बाद कोई बंदा कैमरा की एप्लीकेशन कौन करता है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर वाले हिस्से के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है, आप लोगों ने ऊपर का जो मोटर मैकेनिज्म उसको पकड़ रखा है, आप लोगों ने कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, अब वो जो मोटर है वो अपना जोर लगाती है तो वो ऊपर की जानब जब आप लोगों ने उसको पकड़ रखा है तो वो पूरा सिस्टम बाहर नहीं आएगा, तो फिर से एक दफ़ा जोर लगाएगी, कैमरा के सामने जो है वो रिजल्ट शो नहीं होगा। अब उसके पीछे तो वो ग्लास बैक है जिसकी वजह से कैमरा की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, कैमरा काम करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको वो काला ही नज़र आएगा क्योंकि पीछे उसके वो बाहर नहीं आया और पीछे उसके जो ग्लास है उसी के ऊपर उसका कैमरा जो है वो देख रहा है। अब जब आप लोग उसके ऊपर से हाथ पीछे कर लेंगे तो खुद ब खुद वो जो सिस्टम है बाहर आ जाएगा और कैमरा आप लोगों का काम करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको ओपन कर देते हैं तो आप लोगों को आई थिंक महसूस होगा कि मोटर जो है वो जोर लगा रही है इस सिस्टम को बाहर निकालने में। ये नहीं है अगर आप लोगों ने एक दफ़ा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है, आप लोगों ने कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करके हाथ साइड पर कर लिया तो वो बाहर नहीं निकल सका तो कैमरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और आपका वो काम नहीं करेगा, नहीं, बल्कि अभी कैमरा एप्लीकेशन ऑन रहेगी, कैमरा जो है पीछे के वो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वो जो सिस्टम है अगर जितनी देर तक मोबाइल फोन के बॉडी के अंदर रहेगा तब तक वो जो कैमरा के सामने जो भी चीज़ होगी वो जो बैक ग्लास का हिस्सा होता है उसी के ऊपर देखता रहेगा। जब आप लोग उससे अपना हाथ पीछे करेंगे तो खुद ब खुद वो वापस से बाहर आ जाएगा, उसको दोबारा से आप लोगों कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करके उसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो दो चीज़ें जो पिछली वीडियो के अंदर रह गई थी कि अगर इसके ओपन होने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है या ओपन होने से यानी कि बाहर आने से पहले कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो कैमरा कैसे रिएक्ट करेगा या पूरा का पूरा मोटराइज मैकेनिज्म
कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यह है कि जब 2017 के अंदर एप्पल ने आईफोन 10 लॉन्च किया था तो उस वक्त उस मोबाइल फोन के अंदर हमें डिस्प्ले के ऊपर नॉच मिलती थी, यानी कि अभी भी अगर आप लोग बाजार से जाकर मोबाइल फोन खरीदते हैं एप्पल आईफोन 10 तो आप लोगों को ऊपर की तरफ स्क्रीन कट ही मिलेगी, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारा हार्डवेयर जो है देखने को मिल जाएगा, उसका कैमरा, उसका फ्लैट इल्यूमिनेटर और पूरा का पूरा हार्डवेयर जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो एप्पल के इस डिज़ाइन को बहुत सारे ब्रांड ने कॉपी किया, जैसा कि एलजी ने कॉपी किया, इसको हवावे ने कॉपी किया, इसको वन प्लस ने कॉपी किया, इसको ओप्पो ने कॉपी किया, तो बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स ने इस मोबाइल फोन के डिज़ाइन को यानी कि एप्पल आईफोन 10 को कॉपी किया ताकि वो भी अपने मोबाइल फोन को थोड़ी कूल लुक दे सकें, आईफोन की कॉपी कर सकें और लोगों के अंदर उनका मोबाइल फोन जो है ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाए। तो हर तरफ मार्केट के अंदर हमें मोबाइल फोन वही नॉच वाले दिखने शुरू हो गए, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि सारी की सारी कंपनी जो है एप्पल के डिज़ाइन को कॉपी कर रही हैं। तो फाइनली ओप्पो ने एक स्टेप लिया, इन्होंने एक नया डिज़ाइन जो है मुतारफ कराया मार्केट के अंदर। आई होप कि ये डिज़ाइन जो है पॉपुलर हो जाए, ये डिज़ाइन लोगों को पसंद आए। अभी तक जो हाइप बन रही है दुनिया के अंदर, ये डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी कमियाँ मौजूद हैं। आप लोग अगर दोनों वीडियो, ये वाली वीडियो और पहले वाली वीडियो देखेंगे, आप लोगों को पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या 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 कमियाँ आप लोगों को इस मोबाइल फोन के इस डिज़ाइन की वजह से देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे हम जो है टाइम बढ़ता जाएगा, वो जो कमियाँ हैं वो कम से कम होती जाएंगी, यानी कि जो फीचर रह गए हैं वो भी लोग इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ओप्पो कंपनी इसके अंदर ऐड कर देगी या फिर और कोई भी कंपनी अगर इस डिज़ाइन को अडॉप्ट करती है तो वो जो है इन फीचर्स को ऐड कर देगी। लेकिन फिलहाल इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इन चीज़ों को मोबाइल फ़ोन के अंदर निकालना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग 93.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर एमोलेड पैनल के साथ अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी, आप लोगों को कुछ ऑप्शन जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, जैसा कि NFC हो गया और उसके बाद आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग सिस्टम हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि IP67 या फिर 68 कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी तौर पर सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ये तो फ्रेंड्स एक लिखी पड़ी सी बात है, आप सभी लोग भी जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस मोबाइल फ़ोन का जो मोटराइज्ड मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा सेंसर हार्डवेयर और पूरे के पूरे कैमराज जो हैं वो सारे उसी के ऊपर लगे हैं। सामने की तरफ आप लोगों को इसका फ्लैट इल्यूमिनेटर मिल जाता है, इसके साथ में डॉट प्रोजेक्टर मिलता है, इंफ्रारेड कैमराज मिलते हैं, सेल्फी कैमरा मिलता है, स्पीकर मिलता है और साथ ही साथ आप लोगों को पीछे वाले दोनों कैमराज और फ्लैश भी, सारा कुछ आप लोगों को इस मोटराइज्ड मैकेनिज्म के ऊपर मिलता है। और दूसरी तरफ इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप लोगों को कोई भी टच ID, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि कोई भी इसके ऊपर फिंगर को स्कैन करने वाला सेंसर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को लॉक करना चाहते हैं तो आप लोग या तो पिन कोड इस्तेमाल कीजिए या फिर आप लोग इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक को इस्तेमाल कीजिए, आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। अब इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट वो ये होगा कि जितनी बार आप लोग दिन के अंदर मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करेंगे उतनी बार ये मोटर काम करेगी, आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो मोबाइल फ़ोन की बॉडी से बाहर आएगा, फिर स्कैन करेगा उसका, फिर एक 3D मॉडल बनाकर मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को देगा, वो इसको प्रोसेस करेगा, पहचानेगा कि आप वही बंदा है जिसने मोबाइल फ़ोन लॉक किया था, फिर इसको ऑन करेगा और फिर वो पूरा का पूरा जो कैमरा मॉड्यूल है वापस मोबाइल फ़ोन की बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब अगर आप लोग दिन के अंदर इसको 50 बार अनलॉक करते हैं तो 50 बार मोटर काम करेगी, 100 बार अनलॉक करते हैं तो मोटर ज़ाहिर सी बात है 100 बार काम करेगी, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो अनलॉक होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये मोटर कितना ज़्यादा देर तक काम करे, कितनी ड्यूरेबल है, कितनी देर तक ये मोबाइल के पूरे मैकेनिज्म को बाहर अंदर कर सकती है। अब ये एक सवाल जब मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर आएगा, लोग इसको यूज़ करेंगे, तभी पता चलेगा ये मोटराइज सिस्टम जो है कितना ड्यूरेबल है, कितना इसके अंदर जो है वो ताकत मौजूद है कि ज़्यादा लंबे अरसे तक ये चल सके। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि मोबाइल फ़ोन आने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास निकल के आती है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वो है इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस क्या होगी। वेल, अब इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है यूरोपियन मार्केट के अंदर, वो आप लोगों को मिलेगी 999 यूरोज़, यानी कि 999 यूरोज़ आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन की कीमत जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाएगी, यूरोपियन मार्केट के अंदर, एशिया के अंदर नहीं, यूरोपियन मार्केट के अंदर। अब आप लोग जानते हैं कि यूरोप के अंदर लोगों पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कोई भी अगर वो प्रोडक्ट इस तरह खरीदते हैं। अब 999 यूरोज़ का मतलब है 141,000 कुछ रुपए बनते हैं आज की डेट में, जो कि यूरो का आज का रेट है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन की कीमत हाई है, जिसकी वजह से हो सकता है लोग वहाँ पर खरीदें ना खरीदें, ज़्यादा खरीदें कम खरीदें, मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। लेकिन उस मार्केट के अंदर इसकी प्राइस जो है काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू एशिया के अंदर। अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश या फिर जो एशियाई मोबाइल हैं इसके अंदर इस मोबाइल फ़ोन की कीमत जो है कम रखी जाएगी। जैसे कि अक्सर होता ही है कि मोबाइल फ़ोन की जो यूरोपियन मार्केट के अंदर उसके अंदर कीमत जो है ज़्यादा ही होती है, पाकिस्तान के अंदर या फिर एशियाई मार्केट के अंदर आप लोगों को हमेशा मोबाइल फ़ोन की जो कीमतें हैं वो कम देखने को मिलती हैं।
तो इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि जब भी ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएगा तो आप लोगों को कम कीमत जो है देखने को मिल जाएगी। अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस मोबाइल फ़ोन की कीमत जो है वो $800, $750 या $850 इतने तक, यानी कि 70-80 हज़ार, 85 हज़ार रुपये तक आप लोगों को इसकी कीमत देखने को मिल जाएगी। अब पहले नंबर पर जो बात है वो यह है कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, आप लोगों को टॉप ऑफ द लाइन इसके अंदर हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर ऐसा डिज़ाइन मौजूद है जो कि आज से पहले दुनिया के अंदर मोबाइल फ़ोन की किसी भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये मिलकर इस मोबाइल फ़ोन को एक्सपेंसिव बनाती हैं। अब कितना एक्सपेंसिव ये होता है ये तो जब मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर आएगा तभी इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वह पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जो इसकी उम्मीद की जा रही है प्राइस की वो $800, $850, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग 80 हज़ार, 85 हज़ार, 90 हज़ार के आसपास इसकी कीमत देखने को मिल जाएगी, जो कि मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है इसकी प्राइस ये हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आप लोगों से है कि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जो मोटराइज मैकेनिज्म है उसके बारे में अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर वो सवाल जो हैं उनका इजहार कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के जहन के अंदर क्या ओपिनियन है इस मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, साथ में आप लोगों के हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। अगर आप लोगों के सवाल या फिर कोई मशवरा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे जाकर पूछोगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट में फीडबैक दे सकते हैं, सुना इस आपका रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।